जैसा कि हम सब जानते हैं कि नागपुर संतरा के साथ ही सुपारी व्यापार में अग्रगण्य है, किंतु इस कारोबार में भी अब भ्रष्टाचार होने लग गया है। गौरतलब है कि कल कलमना पुलिस द्वारा कार्रवाई कर 16 पहिए ट्रक में लदी सुपारी की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिससे जिले के व्यापार जगत में खलबली मच गई। ज्ञात हो कि नागपुर में लंबे अंतराल के बाद सुपारी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां कल कलमना पुलिस ने 16 पहिए ट्रक में लदी सुपारी की बड़ी खेप पकड़ी है। बताया जाता है कि यह असम से आई सड़ी सुपारी है। लाखों रुपए का यह माल सुपारी कारोबारी मोहम्मद आफताब मोतीवाला अलमास अपार्टमेंट मोतिया चौक शांति नगर नागपुर निवासी का है। चर्चा है कि मोहम्मद आफताब मोतीवाला का यह माल कलमना क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज में उतारा जाने वाला था। सोनू व हिमांशु नामक व्यक्ति असम के सिलचर से यह माल लेकर नागपुर आए थे। चर्चा ये भी है कि जिस कोल्ड स्टोरेज में यह माल उतारा जाने वाला था, वह कोल्ड स्टोरेज विनोद हेमदानी का है। खामना निवासी विनोद हेमदानी का मारवाड़ी चौक इतवारी में कार्यालय है, जिसके बीच कलमना पुलिस को भनक लगी तो वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। उसी दौरान पुलिस परिमंडल 5 के उपायुक्त निकितन कदम के मार्गदर्शन में कलमना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोकुल महाजन ने सहयोगियों के साथ कार्यवाही की। उक्त मामले में गहन छानबीन होने पर नागपुर में सुपारी के अवैध कारोबार का भी बड़ा खुलासा हो सकता है। गौरतलब हो कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को दोपहर में कलमना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि असम से सुपारी की बड़ी खेप नागपुर भेजी गई है। यह खेप कलमना क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज में भेजी जा रही है। जानकारी मिलने पर कलमना के थानेदार गोकुल महाजन ने टीम को इस कार्यवाही में लगा दी। कलमना थाने की टीम ने 16 पहिया ट्रक क्रमांक AS31C1043 को कोल्ड स्टोरेज की ओर जाते समय रोका। ट्रक में करीब 250 बोरी सुपारी लदी हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि सुपारी खाने योग्य नहीं थी, इसलिए पुलिस ने ट्रक को माल सहित जब्त कर FTA को सूचित कर दिया। जांच के दौरान यह पता चला कि सुपारी मोहम्मद आफताब मोतीवाला की है। मोहम्मद आफताब मोतीवाला मुदलियार चौक में बने अलमास नामक आलिशान अपार्टमेंट में रहता है। उस अपार्टमेंट को बनाने वाला भी किसी समय सुपारी के अवैध कारोबार में लिप्त था, लेकिन अब वह बिल्डर का कारोबार करता है। उस अपार्टमेंट के अधिकांश खरीदार नागपुर के बाहर के बताए जाते हैं। इस आलिशान अपार्टमेंट में रहने वाला मोहम्मद आफताब मोतीवाला सुपारी के कारोबार में कब से लिप्त है, इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस घटना से सुपारी के अवैध कारोबारियों के नाम जल्द सामने आने की उम्मीद की जा रही है, जिसके विषय में जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गोकुल महाजन ने। दिनांक 7/2/2024 रोजी संध्याकाळी 17 वाजेच्या दरम्यान आम्हाला एक माहिती मिळाली की सडकी सुपारीचा ट्रक येणार आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी पाचारण केल्यानंतर सदर ट्रकची पाहणी केली असता सडकी सुपारी आढळून आली। सुपारी ही ताब्यात घेतली, पोलीस स्टेशनला लावण्यात आली, त्यानंतर त्याचा सविस्तर पंचनामा करण्यात आला। अन्न व प्रशासन विभागाला त्याची लेखी माहिती देण्यात आली। दुसऱ्या दिवशी फूड अँड ड्रग इन्स्पेक्टर हेही पोलीस स्टेशनला आले। आल्यानंतर त्यांना आम्ही हे सर्व ट्रकमधील सर्व सुपारी आणि सविस्तर पंचनामा करून त्यांच्या ताब्यात देण्यात आलं। त्यांनीही त्यांच्या स्तरावर कायदेशीर कारवाईच्या अनुषंगाने जप्ती पंचनामा केला, त्या सर्व ट्रकला सील केलं, मालाला सील केलं, त्यातून काही त्यांनी प्रयोगशाळेसाठी नमुना काढला आणि सर्व त्यांच्या स्तरावर कारवाई होता। आता हा जो ट्रक आहे, हा ट्रक आसामकडून आलेला होता। ट्रकचे चालक आणि मालक हे आसामचेच आहे। या ठिकाणी कोल्ड स्टोरेजचे मालक आहे विनोद हेमदानी, यांच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये हा माल टाकणार होते। त्याच्यानंतर सुपारीचे जे मूळ मालक आहे ते मोहम्मद आफताब मोतीवाल 31 शांतीनगर नागपूर असे आहेत। आणि ट्रक चालक मालक हे आसामचेच असल्यामुळे अन्न व सुरक्षा विभागाचे जे अधिकारी आहेत मानवत्तर साहेब यांना सर्व डिटेल्स आम्ही सुपूर्द केलेले आहे। त्यांच्याकडून जी कारवाई होईल त्यानंतर त्या अनुषंगाने पुढील कारवाई करण्याची नियोजित आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेबरे की रिपोर्ट।